नमस्कार बीटाउन की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। चलिए नजर डालते हैं बॉलीवुड की कुछ प्रमुख खबरों पर। एक्ट्रेस उर्फी जावेद हर दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आती हैं। इस बार जब उर्फी ने खुद के अरेस्ट को लेकर एक फेक वीडियो बनाया तो उनकी सच में मुश्किलें बढ़ गयी। जी हाँ, मुंबई पुलिस ने उर्फी के खिलाफ FIR रजिस्टर की है, जिसमें उन पर 4 IPC की धाराएं लगाई गयी है। पुलिस का कहना है कि पब्लिक सर्वेंट ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। ऐसे में उर्फी पर 171, 149, 500 और 34 का केस दर्ज किया गया है। सिर्फ उर्फी ही नहीं, 4 और लोगों पर यह केस दर्ज हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोशिश में उर्फी लंबी फंस सकती हैं। अर्जुन कपूर और भूमि पेंडिकर की फिल्म द लेडी किलर सिनेमा घरों में 3 नवंबर को बिना किसी शोर के रिलीज हो गई है। इस फिल्म का ट्रेलर कुछ दिनों पहले ही आया था। इसमें अर्जुन और भूमि को मर्डर मिस्ट्री के बीच अफेयर चलाते देखा गया था। हालांकि रिलीज के बाद सारा गेम ही पलट गया। अर्जुन की फिल्म की पहले दिन की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सामने आ गई है। खबरों की माने तो फिल्म को देखने पहले दिन पूरे 300 लोग भी नहीं पहुंचे। सेक्नल के ट्वीट के मुताबिक द लेडी किलर के ओपनिंग डे पर महज 293 टिकट बिके थे। ऐसे में फिल्म की पहले दिन की कमाई सिर्फ 38,000 रूपए रही। टीवी के जाने माने एक्टर अली मरचिन ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड के साथ निकाह पढ़ा है। कपल की वेडिंग फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। टीवी के जाने माने एक्टर अली मरचिन ने गुरुवार को लखनऊ में निकाह किया है। बता दें कि उन्होंने हैदराबाद की रहने वाली मॉडल अगलब जैदी के साथ रिश्ता जोड़ लिया है। बता दें कि अली की यह शादी प्राइवेट सेरेमनी थी। इस शादी में केवल परिवार और खास दोस्त ही शामिल हुए थे। आमिर खान की बेटी इराक खान अगले साल जनवरी में शादी के बंधन में बंधने वाली है। उनके होने वाले पति का नाम नुपुल शिखर है। दोनों लंबे समय से रिलेशन में हैं। शादी के पहले दोनों की प्री वेडिंग सेरेमनी शुरू हुई। आपको बता दें, इस सेरेमनी का नाम केल्वन है। इसमें दोनों ही परिवार के लोगों ने खूब मस्ती और एंजॉय किया। नुपुर और ईरा के बीच खूब प्यार है। दोनों ही अक्सर मस्ती करते हुए स्पॉट होते हैं। ऐसे में केल्वन सेरेमनी में भी दोनों का रंग देखने को मिला। बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू आज 4 नवंबर को अपना 52वां जन्मदिन मना रही है। ऐसे में कई सेलेब्स ने उन्हें पोस्ट शेयर कर बर्थडे विश किया है। इस लिस्ट में फराह खान से लेकर अजय देवगन तक शामिल है। ऐसे में अजय देवगन ने तब्बू को खास अंदाज में बर्थडे विश करते हुए पोस्ट किया है। अजय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर तब्बू के साथ एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह कार में बैठे नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही एक्टर ने लिखा, कभी कभी पहियों के पीछे, कभी कभी स्क्रीन के पीछे, लेकिन यह हमेशा एक रोमांच होता है। करीना कपूर ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर तब्बू की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, जन्मदिन मुबारक हो प्रिय तब्बू, आपका दिन शानदार रहे। फिल्म मेकर फराह खान ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर तब्बू के साथ कई फोटोज शेयर की है। फिलहाल बीटाउन की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए INBCN न्यूज के साथ। नमस्कार।